नमस्कार, स्वागत है आपका जीएसएस न्यूज़ में। इस वक्त मैं मुंबई के मार्वे बीच पर मौजूद हूं और मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर काफ़ी सारे जो फिशरमैन होते हैं, मछुआरे होते हैं, वो अपनी बोट्स को एंकर के सहारे साइड में रोकते हैं। उसके अलावा यहां छोटी बड़ी काफ़ी सारी रेडियां और ये जो जाविदा ज़िंदगी जीने वाले जो दुकानें हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगी और बड़ी मात्रा में युवा देख ही सकते हैं। मैं आपको पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये समुद्र है, समुद्र जो काफ़ी लंबे पैमाने पे फैल हुआ है और सामने आपको समुद्र में ही दिखाई दे रही हैं बोटें। मछुआरे अपने घर को लौट रहे हैं पूरे दिन मेहनत करके और इसी बीच पर लौटेंगे। तो इस समय हम मौजूद हैं जो यहाँ के फिशरमैन हैं, इनसे हम जानकारी हासिल करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जो ये ज़िंदगी जी रहे हैं इसमें कितना मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ बीच पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, क्रीक पे काफ़ी सारे लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, काफ़ी मज़ेदार सी ज़िंदगी लगती है लोगों को यहाँ की। नहीं तो ये एक तो ख़ास बात है, हम लोग मतलब जो उधर पानी में जाते हैं तो एकदम ऐसा मतलब जान घर पे रख के जाते हैं कि उधर कुछ भी हो सकता है, कि हम लोग वापस आ भी नहीं सकते ऐसा है। और ये हमारी ज़िंदगी है ना खाली कि जान पे हम लोग जाके उधर ये करते हैं। तो मतलब सिर्फ रोजी रोटी को कमाने के लिए आप डेली अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, यही कहना है ना आपका? हाँ, लेकिन क्या करेंगे, अभी घर पे सब परिवार है तो करना पड़ता ही है, वो हमारा बुज़ुर्गों का धंधा है, वो हम लोग को करना ही है। क्योंकि हम लोग को हम पढ़े लिखे नहीं, इतने कुछ जानकारी नहीं, तो हम लोग सरकार हमको कुछ नौकरी विक्री दे नहीं सकते, तो हमको यही धंधा करने का है। क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे आपके धंधे में आए? नहीं नहीं, मतलब अभी उनको पढ़ाने का तो पिताजी का काम रहता है, वो तो पढ़ाने के लिए हम लोग जो कुछ भी हो जाए तो हम उनको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी पढ़ना ना पढ़ना उनके ऊपर है, और ना पढ़े तो फिर उनको यही धंधा करना पड़ेगा। कभी जवार भाटा आता है या कोई लहरें तीव्र गति से आती हैं तो उस स्थिति में आप लोग कैसे बचते हैं? नॉलेज रहता है हम लोग को कि अभी ज़्यादा ही तूफान है, तो हम लोग जानकारी से कि और हमारा जो रास्ता है उसमें बहुत बड़ी बड़ी लहर आती है, तो हम लोग उसके लहर के फिर आगे जाते ही नहीं, क्योंकि अब उनको मालूम है कि ज़्यादा ही लहरें और ये जान जोखिम में जा सकती है, इसलिए हम लोग जाते ही नहीं। लेकिन अभी भी इतना हवा है ना तो भी हम लोग को जाना पड़ता है। हमारे बीच में यहाँ के लोकल के नागरिक और साथ में फिशरमैन मिथुन जी मौजूद थे। वैसे मिथुन जी ने बता ही दिया है कि जान जोखिम में डालकर ये आप लोगों के लिए फिशिंग करते हैं, आम जनता के लिए फिशिंग करते हैं। इस वक्त हमारे बीच में कुछ यहाँ के जो घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं युवा, वो भी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस क्रीक पे इन्हें कैसा महसूस हो रहा है, आपको फील कैसा हो रहा है शाम के टाइम पे, ठंडी हवाएं आ रही हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। आप रोज आते हैं? नहीं रोज नहीं, संडे को एक ही बार आता हूँ हम लोग। एवरी संडे आते हैं आप? हाँ। सारे फ्रेंड सर्कल हैं आपके? हाँ, फ्रेंड सर्कल है। तो यहाँ एंजॉय करने के लिए आते हैं, बेसिक सी बात है। सर जी, यहाँ का हर एक्सपीरियंस अच्छा है और मार्वे बीच हमारा बहुत दिन से यहाँ चला आ रहा है और यहाँ का जो है बहुत अच्छा अवसर रहता है, शुक्रवार शनिवार और रविवार दिन ऐसा है कि यहाँ पर इसी तरह चहल पहल रहती है और हम लोग यहाँ पे जमे रहते हैं, कार्य पे अपने डटे रहते हैं और बहुत सुहाना अवसर रहता है। आए हुए अन्य अतिथि लोगों का यहाँ स्वागत भी होता है, ऐसी कोई कमी नहीं होती, हर प्रकार से यहाँ जो है किसी प्रकार कमी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें अक्सा बीच है या फिर कोई और बीच है, उनमें काफ़ी साफ़ सफाई है, यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि मछुआरों की भी है, तो इससे कोई आपत्ति या आपके बिजनेस में कोई नुकसान? नहीं सर, हल्का फुल्का तो है ही है, क्योंकि जब बदबू आता है तो कस्टमर इधर उधर होने लगता है, बोलता है कि ऐसा कोई साफ़ सफाई होना चाहिए और मैं भी चाहता हूँ साफ़ सफाई हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा ना, इसलिए जो है थोड़ा इससे कस्टमर को दिक्कत होती है, हम लोग को भी दिक्कत होती है, मगर मजबूरी है, करेंगे कि जो है शासन प्रशासन थोड़ा ध्यान देगी तो इस पर तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, हम लोग का बिजनेस और बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें मछुआरों की, तो वो अपनी जान को जोखिम में डालकर समुद्र के अंदर जाते हैं, वो आम जनता के लिए भोजन लेके आते हैं, तो उनको वरीयता मिलनी चाहिए या हम जो इस समय सूखी ज़मीन पर बैठ के अपना धंधा कर रहे हैं उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए? जी जी सर, ये अच्छा, हाँ ज़रूर कुछ वरीयता हर आदमी को होना चाहिए, बिजनेस है, बिजनेस नहीं रहेगा लोग कहाँ से ये खाएँगे,
थोड़ा क्या है कि दरिया किनारा था, ही है समुद्र का किनारा, तो यहाँ इतना पब्लिक यहाँ के किसी प्रकार से जो है दिक्कत नहीं समझती है, सब जगह हंसते खेलते रहते, किसी प्रकार की टेंशन नहीं यहाँ पे। हमारा बारे में भी चेक नंबर पर है, तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने वालों को, जहाँ से हमारी रोजी रोटी चल रही है, हमारी आम जनता है जो है खुश है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। बाकी हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों से और सरकार से कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ की साफ सफाई के बारे में या किसी चीज़ के बारे में कि ये काम हो जाए तो ज़्यादा लाभ हो सकता है, आपकी राय? हाँ, राय मेरी है सर, तो थोड़ा ये जो साफ सफाई है, अभी लोग गंदगी भी छोड़ के चले जाते हैं, कचरा बिचरा भी छोड़ के चले जाते हैं, समुद्र का जब पानी आता है उसके लहर साफ होती है, थोड़ा सफाई भी होगा, बाकी सब ठीक है, किसी प्रकार की कमी नहीं है, और किसी प्रकार कमी नहीं है। अब दर्शक भी आपके हमारे यहाँ जितने घूमने टहलने वाले सब आते हैं, बाहर से गेस्ट लेकर यहाँ सब जमा रहते हैं, और हम चाहते हैं जो इसी तरह हमारा जो है मार्वे बीच बना रहे, और यही मेरी संवेदना है। विजय कुमार शर्मा जी मार्वे बीच से हमारे बीच में मौजूद थे, इन्होंने काफ़ी सारी जानकारियाँ आपको दी हैं, और स्पष्ट तौर पे गवर्नमेंट से गुजारिश करिए थोड़ी साफ सफाई हो जाए तो लोगों के रोजी रोजगार में थोड़ा और बढ़ोतरी होगी। मुंबई के मार्वे बीच से मैं प्रदीप सालदी, मेरी दी हुई जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के रोचक वीडियो अगर आप चाहते हैं आते रहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ अपने दोस्त को दें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।